हे गाइज, आप भी YouTube चैनल से लेकर के परेशान हैं कि मैं 1 महीना से वीडियो नहीं डाला, 2 महीना से वीडियो नहीं डाला, करीब मैं 6 मंथ से वीडियो नहीं डाला हूँ, तो मेरे YouTube चैनल के साथ क्या होगा, मैं दूसरा YouTube चैनल बना लूँ कि वही YouTube चैनल पर काम करूँ। तो आज का वीडियो में मैं आप लोग को पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि आप अपने YouTube चैनल पर 6 महीना गैप कर चुके हैं और वीडियो नहीं डाले हैं, तो आपको उस चैनल पर डालना चाहिए अथवा नहीं डालना चाहिए और क्या रिएक्शन निकलता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि 2 पॉइंट यहाँ पर आते हैं। पहला नंबर कि आपका बहुत बड़ा चैनल हो सकता है, और जो दूसरा नंबर कि आपका मीडियम बैलेंस चैनल हो सकता है। तो बड़ा चैनल में आप देख सकते हैं जैसे कैरी मिनाटी हो गए, जुड़ू राठी हो गए, और ऐसे मिस्टर विट, ऐसे बहुत सारे बड़े यूट्यूबर हैं जो अपने यूट्यूब चैनल पर 6 महीना भी वीडियो ना अपलोड करें तो उनके यूट्यूब चैनल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन हम तो ठहरे छोटे यूट्यूबर, हमारे चैनल पर 1500, 200, 580 सब्सक्राइबर हैं, तो मेरे साथ, हमारे साथ क्या हो सकता है। तो जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि आप फेसलेस वीडियो बनाते हैं, फेस दिखा करके, जैसे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप करीब 6 महीना तक कोई आपका स्टडी आ गया, कोई एग्जाम आ गया, कोई उस तरह का काम आ गया, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने YouTube चैनल पर पहले काम कर रहा था, आपने छोड़ दिया, या बहुत सारे सिचुएशन हो सकता है कि आप YouTube पर काम कर रहे हो, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, व्यू नहीं मिल रहा, तो वैसे सिचुएशन में भी आप छोड़ सकते हो। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपको लगता है कि नहीं, मैं गलत चीज कर दिया, मुझे फिर से YouTube पर आना है, तो वैसे सिचुएशन में आप 6 मंथ बाद सोचेंगे कि मेरा YouTube चैनल वो चलेगा कि मुझे नया YouTube चैनल बनाना पड़ेगा। तो ये कन्फ्यूजन मैं आप लोग को दूर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आता है कि आपका एक बड़ा चैनल है तो आप उस पर 6 मंथ, 1 साल, कितना दिन के बाद भी वीडियो डालेंगे तो आपका वीडियो पर अच्छे खासे व्यू आएगा, आपका फेस वैल्यू बना रहेगा तब, और आपका चैनल पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर रहेंगे तब। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर एक माइनस पॉइंट आता है कि आपका यूट्यूब चैनल पर जब सब्सक्राइबर नहीं है, आप फेसलेस वीडियो नहीं बनाते हैं, आपका फेस वैल्यू नहीं बना है, तो आपके साथ क्या होगा। तो अक्सर मैंने देखा है कि मैं अपने YouTube चैनल पर एक्सपेरिमेंट किया था कि करीब 3 महीना मैं YouTube चैनल पर अपना वीडियो अपलोड नहीं किया था कोई सिचुएशन के कारण। तो वह समय मेरा कुछ हुआ नहीं था, ऐसे एक प्रॉब्लम आता है कि आपका व्यू डाउन हो जाएगा, आपके वीडियो पर व्यू नहीं जाएंगे, इंप्रेशन YouTube नहीं भेजेगा करीब 90 दिन के लिए, करीब 90 दिन के लिए। बहुत सारे बंदे लोग बोलते 30 डे, 20 डे, 35 डे ऐसे ही बताएंगे, लेकिन 90 दिन के लिए ऐसे हुआ था। और आप रेगुलर कंटेंट डालते रहेंगे और आपको लगेगा कि इस पर रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो आपको खुद महसूस करना है, खुद आपको रियलाइज करना है कि मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, उस पर रिस्पॉन्स मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है, तो आप खुद से जान सकते हैं कि आपको, आप जब वीडियो डाल रहे हैं तो उस पर रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आपका चाहे जितना बड़ा यूट्यूब चैनल हो, चाहे जितना छोटा हो, वो आपने 6 मंथ, 1 साल, 2 साल जितना भी गैप कर चुके हैं, तो आप उस पर करीब 90 दिन सिर्फ काम करें, उसके बाद आप रिएक्शन देखें कि उस पर कैसा व्यू आ रहा है, नहीं आ रहा। और आपको नहीं व्यू आ रहा तो आपको एक नया YouTube चैनल बना लेना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं कि नए YouTube चैनल को YouTube ज़्यादा प्रमोट करता है, ज़्यादा इंप्रेशन भेजता है, तो नया YouTube चैनल आपका ज़्यादा ग्रो होने का चांस हो सकता है। तो बड़े YouTube, जो बड़े यूट्यूबर रहते हैं, उनको YouTube चैनल पर 6 महीना वो वीडियो नहीं डालते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आपके जो छोटे यूट्यूबर हैं, जो हम छोटे यूट्यूबर हैं, हम करीब 10 दिन भी वीडियो नहीं डालते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो आपका साथ भी ऐसा है तो आप पहले पुराने वाले चैनल पर आप काम करके देख लें 90 दिन, 90 दिन नहीं कर सकते तो करीब 30 दिन आप काम करें, 30 दिन में आपको लगता है कि रिजल्ट मिल रहा है, अच्छा खासा व्यू आ रहा है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं, अथवा नहीं मिल रहा है तो आप दूसरा चैनल बना सकते हैं, क्योंकि नया चैनल पर जो YouTube है, मैं आपका YouTube चैनल का इंप्रेशन ज्यादा भेजेगा और आपके चैनल पर व्यू अच्छे खासे आएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला हो, नॉलेज मिला हो तो वीडियो पर लाइक, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। जय हिंद, जय भारत, और आप अपने YouTube चैनल पर अच्छे से ध्यान दें।